नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और ये है सैमसंग गैलेक्सी M31 डिवाइस। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरे हाथ में सैमसंग गैलेक्सी M31 डिवाइस है और इसमें आपको न्यू अपडेट मिल चुका है। और क्या आपको One UI 5 का अपडेट मिलेगा इस अपडेट के बाद? और बहुत सारे आपके फ़ोन में इशू आ रहे थे, जैसे कि बैटरी ड्रेन का इशू आ रहा था और फ़ोन हीटिंग का इशू आ रहा था, एंड इसके अलावा गेम्स खेलते तब बहुत ज़्यादा फ़ोन लैग कर रहा था एंड स्लो भी हो चुका है आपका फ़ोन। तो भाई, आफ्टर अपडेट के बाद क्या आपको ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है? बहुत सारे आपके मन में डाउट्स हैं, तो अभी मैं आपको अपडेट करके दिखाऊंगा एंड इसके बाद आपको बताऊंगा कि आपको One UI 5 का अपडेट मिलेगा और फिर नहीं मिलेगा, या फिर कैसे मिल सकता है आपके सैमसंग फ़ोन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को और पे सेट करना ताकि आप किसी भी करते हो और भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए, सैमसंग फ़ोन में मुझे एक क्वालिटी अच्छी लगती है कि क्या है कि आपको अपडेट मिलते रहते हैं। देखिए, अपडेट मिलते रहते हैं तो यानी कि फ़ोन आपका एकदम समझिए अच्छा मस्त चलता रहेगा। और बहुत से लोग कहते हैं कि आफ्टर अपडेट के बाद यार इशू आ जाते हैं, तो उनको भी ये देखना पड़ेगा कि यार मैं अपडेट करके दिखाऊंगा क्या आफ्टर अपडेट के बाद कोई इशू आएगा या फिर नहीं। तो सबसे पहले आपको अपडेट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर भाई लाइक जरूर कर दो मोटिवेशन के लिए। फ़ोन की सेटिंग में जाओ, यहाँ पर देख सकते हो हम फ़ोन की सेटिंग में जाते हैं एंड इसके अलावा यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो इस पर इंटरफेस होगा, आपको यहाँ पर नीचे आना स्क्रॉल डाउन किस तरीके से एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हो सॉफ्टवेयर अपडेट का एक ऑप्शन आ रहा है, ये इस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड एंड इंस्टॉल, इस पर क्लिक करना है। और अभी मैं आपको लाइव सब कुछ दिखाने वाला हूँ कि आपको मिलेगा क्या क्या फिक्स हुआ है आपके फ़ोन में और ये सब अभी दिखाने वाला हूँ आपको। तो डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर क्लिक करना है इस तरीके से एंड यहाँ पर देख सकते हो अपडेट रेडी टू इंस्टॉल, कितने का अपडेट है, क्या क्या है, कौन सा सिक्योरिटी पैच है, ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे आओगे तो देख सकते हो वर्जन M31 देख सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर साइज जो है 455.40 MB का, यानी कि 455 MB समझ लीजिए आप, ठीक है, तो इतना है। एंड इसके अलावा सिक्योरिटी पैच लेवल जो है वो 1 मई 2023, तो भाई 1 मई 2023 का आपका सिक्योरिटी पैच मिल रहा है, यानी कि इसी मंथ का, बहुत अच्छी बात है। अब देख लेते हैं क्या क्या आपके फ़ोन में आपको मिलने वाला है इस अपडेट के बाद। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दी गई है, जैसे देख सकते हो द सिक्योरिटी ऑफ योर डिवाइस हैज़ बीन इम्प्रूव्ड, इस सॉफ्टवेयर अपडेट कैन इंक्लूडेड बट इज नॉट लिमिटेड टू डिवाइस स्टेबिलिटी इम्प्रूव वर्क फिक्स। देखिए, डिवाइस की स्टेबिलिटी है उसको यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है, कुछ बग्स हैं उनको फिक्स किया गया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया न्यू एंड और इन्हेंस फीचर्स हैं उनको और भी ज़्यादा इन्हेंस किया गया, कुछ फीचर्स हैं उनको इन्हेंस किया गया है। एंड यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो बेस्ट फ्रॉम योर डिवाइस, प्लीज़ कीप डिवाइस अप टू डेट एंड रेगुलर चेक फॉर सॉफ्टवेयर अपडेट। ज़्यादा आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो इस तरीके से, यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, देख सकते हो बिल्ड नंबर ये सब आ गया एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से आ जाता है एंड यहाँ पर सब कुछ आपको आप चेक कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर आपके मन में एक डाउट है, One UI 5 का अपडेट मिलेगा आफ्टर इस अपडेट के बाद? देखिए, One UI 5 का अपडेट अब आपको M31 डिवाइस में कभी भी नहीं मिलेगा, शायद सैमसंग नहीं निकाल, क्योंकि यार आपको 4.1 तक का ही अपडेट यहाँ पर सैमसंग को मिलने को था, सॉफ्टवेयर अपडेट सैमसंग M31 में 2 साल तक मेजर अपडेट आपको देने को थे, बट सिक्योरिटी पैच के अपडेट हैं वो आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पर जैसे कि अभी मिला, ये सिक्योरिटी पैच लेवल का अपडेट है, इससे आपकी फ़ोन की सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर दिया जाएगा एंड बहुत सारे फ़ोन में इशू एंड बग्स हैं उनको फिक्स कर दिया जाएगा इस अपडेट के बाद।